IPL में डेब्यू करने जा रहे हैं ये पांच युवा खिलाड़ी, मचाएंगे तहलका। IPL के 12वें सीजन का आगाज 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है। IPL के जरिए कई खिलाड़ी एक बार फिर चर्चा में आने वाले हैं। इस संस्करण में कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो विश्व की इस सबसे प्रतिष्ठित T20 लीग में पदार्पण रहे हैं। इन सब युवाओं पर सबकी खास नजर रहेगी। आज हम ऐसे पांच युवा खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं। 1. सैम कुरेन। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन को किंग्स इलेवन पंजाब ने 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। वह सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में से एक है। 22 साल का यह खिलाड़ी भारत दौरे पर चमका था और 272 रन बनाए थे। बल्ले के साथ चमक दिखाने में माहिर कुरान गेंद के साथ भी उपयोगी है। ऐसे में उनके किंग्स इलेवन के लिए अहम योगदान की उम्मीद की जा रही है। 2. मिशेल सेंटनर। न्यूजीलैंड के सेंटनर एक अन्य विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनके इस साल IPL में चमकने की उम्मीद है। कीवी स्टार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर सेंटनर को सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए में रिटेन किया है। वह चोट के कारण 2018 सीजन में नहीं खेल सके थे। सेंटनर का उपयोग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटनर एक उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं। 3. सिमरोन हिटमायर। वेस्ट इंडीज के सिमरोन हिटमायर के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास एक प्रतिभाशाली विदेशी खिलाड़ी है। चैलेंजर्स ने हिटमायर को 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। वह भारत के साथ हुई सीरीज में काफी उपयोगी रहे थे और अब अब्राहम डिविलियर्स तथा विराट कोहली के साथ चैलेंजर्स के लिए रनों का अंबार लगाना चाहेंगे। भारत में हिटमायर ने 5 मैचों में 259 रन बनाए थे। 4. वरुण चक्रवर्ती। किंग्स इलेवन पंजाब के लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इस साल IPL नीलामी में सबका ध्यान खींचा, क्योंकि क्लब ने उन्हें 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। कर्नाटक के 27 साल के स्पिनर ने 9 लिस्ट मैचों में 22 विकेट लिए हैं और अब यह देखना रोचक होगा कि IPL में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। वरुण को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। 5. एस्टन टर्नर। राजस्थान रॉयल्स टीम ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 50 लाख रुपए में खरीदा। बिग बैश लीग में टर्नर ने पर्थ स्काचर्स के लिए 14 मैचों में 378 रन बनाए थे। राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे जरूर चाहेंगे कि टर्नर बिग बैश लीग के अपने प्रदर्शन को IPL में भी दोहराएं।